यहाँ पे बालास गैंग के मेंबर क्यों हैं? पता नहीं, पर इनके पास जाके पूछते हैं इनके पास मेरे लिए कुछ काम है कि नहीं। इनने बोला काम है वह रिस्क है, पर मैं ट्राई तो कर ही सकता हूँ। इनने मेरे को लोकेशन का एड्रेस मेरे फ़ोन पे भेज दिया है, तो मैं अभी मेरी वैन के पास चलता हूँ और वैन में बैठ के उधर लोकेशन पे जाता हूँ। ये मैं मेरी वैन पे आ गया। ये सबसे अच्छी तो नहीं है, पर यही मैं अफोर्ड कर सकता था क्योंकि मेरे पास ज़्यादा पैसे नहीं है अभी। बालास गैंग ने जो लोकेशन मेरे को मैसेज की थी, मैं उस लोकेशन पे आ चुका हूँ और ये तो ग्रीन गैंग का बेस है। अब ग्रीन गैंग से फाइट करनी पड़ेगी और ग्रीन गैंग मेरा पीछा छोड़ने वाली है नहीं, क्योंकि ये बाद में भी मेरी लोकेशन निकाल के मेरे पीछे आएगी। मैंने इनका ये चौथा बंदा भी डाउन कर दिया और ये पांचवा भी डाउन कर दिया और ये सिक्स्थ बंदा भी डाउन कर दिया और ये सेवन्थ भी। इनके पास ज़्यादा अच्छी गन्स थी नहीं और मैं यहाँ पे आया हूँ और इनके पास तो यहाँ पे बहुत सारा कैश पड़ा है। आगे क्या होता है जानने के लिए पार्ट टू देखो। जो पिछले एपिसोड में मेरे को कैश मिला था वो पता चला है कि फेक है। अब इस फेक कैश का मैं क्या करूँ, बैग में डाल लेता हूँ फिर इनको यही दे दूंगा क्योंकि मेरे को यही मिला। यहाँ पे मेरे को लेने पहले से ही बालास की वैन आई हुई है। अच्छा है, ये मेरे को इधर ले आया है बालास के हाइड आउट पे। मैं इधर एक दिन रुकूंगा और फिर सुबह बात करूंगा इनके मेंबर से। ये मेरे को बोल रहे हैं कि इनका जो बॉस है वो लिबर्टी सिटी गया हुआ है और मैं इनको बता देता हूँ कि मेरे को ग्रीन गैंग के उस बेस से मिला है बस फेक कैश और इन्होंने मेरे को बिलीव नहीं किया तो इन्होंने मेरे ऊपर शूटिंग करना शुरू कर दिया, इसलिए मैंने भी इन पे वापस शूटिंग करना शुरू कर दिया। ये बहुत सारे और मैं अकेला, इसलिए भागना ही सही ऑप्शन होगा। ये मेरे को वैन तक जाने ही नहीं दे रहे क्योंकि इनके बहुत सारे मेंबर्स मेरे पे शूटिंग कर रहे हैं, इसलिए मेरे को कोई तो वे निकाल के वैन के पास जाना पड़ेगा। इनके दूसरे बेस से और लोग आ ही रहे होंगे, इसलिए मैं वैन में जल्दी से बैठ जाता हूँ। आगे मेरे साथ क्या होता है देखने के लिए जाओ अगला एपिसोड देखो। बालास गैंग से मेरे पिछले एपिसोड में बहुत बड़ी लड़ाई हो गई थी, अच्छी बात नहीं है, पर एक अच्छी बात है, वागोस गैंग के लीडर ने मेरे को वागोस ज्वाइन करने को बोला है। मैंने बोल दिया क्यों नहीं, क्योंकि अभी बालास से मेरे को बहुत खतरा है तो एक गैंग तो मेरे को चाहिए ही। अभी हम वागोस गैंग के बेस पे आ गए। वागोस गैंग के लीडर ने मेरे को बोला है कि मेरे को एक मिशन करना पड़ेगा जिसमें मेरे को गोल्ड चुराना पड़ेगा यूनियन डिपॉजिटरी की वैन से। अभी मैं इससे चाबी लेके गैरेज में आ गया और ये हमारी गाड़ी है। अभी मेंबर्स को लेके हम वैन में चलते हैं उस लोकेशन पे। अभी मैं लोकेशन पे आ चुका हूँ और मैंने गन गलती से फायर कर दी, इसलिए पुलिस वालों को मेरी लोकेशन पता चल गई। बहुत बड़ी फाइट हो चुकी है और हमारे दो मेंबर्स डाउन हो गए, इसलिए सिर्फ हम दो ही बचे हैं। हमारे सामने 10 से ज़्यादा पुलिस वाले और हम सिर्फ दो हैं। हम दोनों ने 5-6 पुलिस वालों को मार दिया है, पर हमें भी बहुत ज़्यादा गोलियाँ लग चुकी है। वहाँ पे गोल्ड वैन के पीछे पड़ा है, पर उधर जाना बहुत मुश्किल है क्योंकि इधर बहुत सारे पुलिस वाले हैं। आगे क्या होता है जानने के लिए जाओ अगला एपिसोड देखो। पिछली वीडियो में हम बहुत बड़ी पुलिस फाइट में फंस चुके थे, हमें अब कुछ ना कुछ करके इससे निकलना पड़ेगा वरना पुलिस हमें छोड़ने वाली है नहीं। हमारे पास दो ऑप्शंस है, या तो सरेंडर कर दे या तो जो वैन उधर है उसमें चले जाए और भागने की कोशिश करे, और मैंने चुना वैन से भागने वाला ऑप्शन। ये वैन आर्मर्ड है इसलिए हमें इसके अंदर कोई गोलियां नहीं लगेगी, शायद से इसके टायर्स भी बुलेट प्रूफ है। हम 4 गैंग मेंबर्स आए थे, अभी सिर्फ 2 ही बचे हैं, मैं और ये बंदा। ये इतना टाइम लगा रहा है वैन के अंदर आने के लिए, मैं तो इसके बिना ही निकल जाता अगर ये थोड़ी देर और ना आता तो। अभी मेरे आगे भी पुलिस आ रही है और पीछे भी बहुत सारी पुलिस है, अभी मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है लेफ्ट जाने के अलावा। पुलिस ने मेरे को पीछे से ब्लॉक किया हुआ है और आगे कोई रास्ता नहीं है, अब मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है बचने का। पीछे से मेरे पे पुलिस शूटिंग कर रही है और मेरे पास गन में एमो नहीं है। मेरे को पता नहीं था मैं क्या करूं, इसलिए मैंने वैन का एक्सीलरेटर दबा दिया और फिर मेरा एक्सीडेंट हो गया और मेरे को पुलिस ने पकड़ लिया। अगले एपिसोड में मेरे को क्या करना चाहिए कमेंट डाउन बिलो। पिछले एपिसोड के सीन के बाद अब मैं जेल में हूँ, मेरे को जेल से निकलने का एक रास्ता पता है, उसके लिए मेरे को इस पुलिस वाले को मार के गेट की चाबी लेनी पड़ेगी। यहाँ पे मैं इस पुलिस वाले के पास आ चुका हूँ और इसके मैंने एक बजा दी। उसके बाद एक बंदे को पता चल गया मेरे पास प्रिजन गेट की चाबी, इसलिए मेरे को उससे लड़ना पड़ा। प्रिजन गेट की तो चाबी मिल गई, पर वो काफी नहीं होगी क्योंकि मेरे को प्रिजन बस भी चाहिए होगी इधर से निकलने के लिए, इसलिए जिस गार्ड के पास प्रिजन बस की चाबी थी उसको मैं मारने लग गया। इसके पास एक गन भी है जो हमारे बहुत काम आएगी। इधर तक तो मैं आ गया था, पर इधर से आगे का गेट खोलने के लिए मेरे को एक बटन चाहिए था जो इस कंट्रोल टावर के अंदर था, इसलिए मैंने इस कंट्रोल टावर गार्ड को मार दिया। इधर तक तो मैं आ गया, पर अभी मेरे पीछे पुलिस आने वाली होगी, बट मेरी गैंग ने मेरे लिए एक सेटअप कर रखा है जो मैं आपको आगे दिखाता हूँ। फिर मैं आ गया सैंडी सोर्स एयरफील्ड, यहाँ पे मेरी गैंग ने मेरे लिए एक एयरप्लेन पहले से ही रखा था। पुलिस मेरे पे शूटिंग कर रही थी, पर मैं बड़ी मुश्किल से एयरप्लेन लेके निकल गया। इस एपिसोड के लिए इतना ही, लाइक और सब्सक्राइब कर देना प्लीज।